करें, इस तरह का ये इस जैसा एडवांस या डिजिटल या नॉन डिजिटल टेम्परेचर मीटर लाजमी लगाएं ताकि आपको भी आपके बर्ड हाउस का बिल्लाही मिने शैतान रजीम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैर से होंगे और अच्छे कामों में बिज़ी होंगे और आपके घर में सब खैर होगी। फ्रेंड्स, आजकल मानसून की बारिशें चल रही हैं पंजाब में और सिंध वगैरह में, तकरीबन पूरे पाकिस्तान में चल रही हैं, जिससे मौसम वक्ती तौर पर कुछ ना कुछ बेहतर होता है, लेकिन हबस अभी भी बरकरार है। तो अपना, अपने घर वालों का ख्याल रखें, अपने पेट्स, बर्ड्स, एनिमल्स का भी ख्याल रखें। फ्रेंड्स, ये आप मेरे सामने देखें, ये एक खजूर का दरख्त है और तकरीबन 100 साल इसकी एज होगी। 20 साल से तो मैं इसको देख रहा हूँ, लेकिन कहते हैं जो लोग यहाँ पे रहते हैं कि 100 साल से ऊपर की इसकी एज है। लेकिन देखें, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की कुदरत का कमाल देखें कि अभी भी ये ज़ईफ जो दरख्त है ये फ्रूटिंग कर रहा है, फल दे रहा है। फिर देखें, येलो रंग की खजूर लगी हुई है जो कि पक जाएगी कुछ दिन बाद। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का जो टॉपिक है उसमें मैं आपको एक ऐसी चीज़ दिखाऊंगा जो कि हर जो फैंसियर है जिसने अपने घर में बर्ड्स पाले हुए हैं उसको वो चीज़ अपने बर्ड हाउस में लगानी चाहिए। उसके बहुत से फ़ायदे हैं और वो चीज़ क्या है, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये आज की एक इंफॉर्मेटिव व्लॉग वीडियो होगी, चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आपको पता है कि गर्मी हो या सर्दी हो, अपने बर्ड को हमें हर मौसम में मौसमी असरात से बचाना पड़ता है। शदीद सर्दी में हमें बर्ड को बचाना पड़ता है सर्दी से, और शदीद गर्मियों में बचाना पड़ता है गर्मी से। हमारे बर्ड हाउस का टेम्परेचर हर टाइम नॉर्मल होना चाहिए, चाहे बाहर मौसम जो सा मर्ज़ी हो, चाहे शदीद गर्मी पड़ रही हो या शदीद सर्दी पड़ रही हो, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारे बर्ड हाउस का जो टेम्परेचर है वो बर्ड्स के लिए नॉर्मल हो, बर्दाश्त के काबिल हो, ताकि आपके बर्ड सर्वाइव कर सकें। लेकिन सवाल ये पता होता है कि हमें कैसे पता लगेगा कि हमारे बर्ड हाउस के अंदर नमी और टेम्परेचर कितना है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाता हूँ, आसान सा तरीका है चेक करने का। फ्रेंड्स, ये आप मेरे सामने देख रहे हैं एक टेम्परेचर मीटर। ये मैंने जब से बर्ड हाउस स्टार्ट किया तब से मैंने इसको परचेज करके लगाया हुआ है अपने बर्ड हाउस के अंदर, और जब मैंने मुर्गियाँ रखी थी तो तब भी मैंने इसके अंदर लगाया था। आप सामने देख सकते हैं दीवार पे, देखें फ्रेंड्स, अगर आप क्लोजली देखेंगे तो बर्ड जो आप पोल्ट्री हाउस जो मैंने घर के अंदर बनाया था छत पे, उसके अंदर भी आपको ये नज़र आएगा लगा हुआ टेम्परेचर मीटर। अभी मुर्गी अंदर नहीं है, लेकिन इंस्ट्रूमेंट्स तो सारे फिटिंग हैं। अच्छा फ्रेंड्स, देखें ये मैंने क्यों लगाया है, इसकी मुझे क्या ज़रूरत पेश आई थी। फ्रेंड्स, ये बाज़ार से आपको किसी भी शॉप से, जहाँ से आपको कहते हैं हार्डवेयर शॉप से, सॉरी फ्रेंड, हार्डवेयर शॉप कहना मेरे मुँह से निकल गया, मेरे कहने मतलब है किसी भी जो पोल्ट्री शॉप जो होती है या जो बर्ड शॉप होती है जहाँ से आपको परिंदों का सामान मिलता है, एक्सेसरीज मिलती हैं, वहाँ से आपको इस तरह का टेम्परेचर मीटर मिल जाएगा, इस तरह का भी मिल जाएगा या इस जैसे एडवांस भी डिजिटल भी मिल जाएंगे, वो आपकी मर्ज़ी है। इसे महंगा ले लें आप महंगा ले लें, मैंने लेकिन नॉर्मल कीमत का लगाया हुआ है। मकसद हमारा टेम्परेचर मैटर करता है कि टेम्परेचर देखने हमें कितना हमारे बर्ड हाउस में। तो फ्रेंड, ये आप जो टेम्परेचर मीटर जो है ये लाजमी आप लगाएं अपने बर्ड हाउस में, इससे आपको पता लगेगा कि आपका जो बर्ड हाउस जो है उसके अंदर कितना टेम्परेचर है और कितनी नमी मौजूद है। फिर आप फैसला करेंगे कि आपने कितनी बरकरार रखनी है अपने बर्ड हाउस के नमी और टेम्परेचर। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप को जूम करके दिखाऊँ मैं, तो यहाँ पर सेल्सियस का टेम्परेचर होता है और इधर फारेनहाइट का। ज़्यादातर पाकिस्तान में हम देखते हैं सेल्सियस सेंटीग्रेड जिसे हम कहते हैं, तो देखे जाए तो जहाँ पर रेड कलर का जब पारा शो हो रहा है, रेड कलर की जहाँ पर लाइन जा रही है, तो ये इस टाइम 34 सेंटीग्रेड टेम्परेचर है मेरे बर्ड हाउस का। और
नमी इस टाइम देखें फ्रेंड 70% है, जो कि ज़्यादा है, आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है। 50 to 70 के दरमियान नमी नॉर्मल होती है। तो फ्रेंड इसके लगाने का फ़ायदा ये है, आपको आइडिया होता है कि आपके बर्ड हाउस के अंदर टेम्परेचर क्या चल रहा है, और जब आपको मालूम पड़ेगा तो आप उसके लिहाज से अपने बर्ड हाउस का टेम्परेचर कम ज़्यादा कर सकते हैं, पंखे लगा के या सर्दियों में हीटर लगा के। और बहुत से टोटके होते हैं नमी बढ़ाने, तो आप पानी का छिड़काव करते हैं अपने बर्ड हाउस के अंदर। तो तरीके तो बहुत सारे हैं, मकसद बताने का मेरा ये है कि आप लोग इस जैसा टेम्परेचर मीटर लगा लें। अगर पैसे ज़्यादा हैं तो आप एडवांस भी लगा सकते हैं, लेकिन जो सा मर्ज़ी हो, एडवांस हो, डिजिटल हो या ऐसा हो सिंपल लगाना, आपने उसको दीवार के बीच में है लटकाना इस तरह, क्योंकि अगर आप इसको दीवार के साथ लगा देंगे तो वो दीवार का टेम्परेचर बताएगा, रूम का नहीं बताएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको जिस रूम में लगा रहे हैं उसका टेम्परेचर बताए, तो आपने उसको रूम के बीच में इस तरह टांग देना है, फिर ही आपको नमी बताएगा और टेम्परेचर बताएगा आपके बर्ड हाउस के रूम का। तो फ्रेंड ये लाजमी आप लोग अपने बर्ड हाउस में लगाया करें ये टेम्परेचर मीटर। डिजिटल भी मार्केट से मिलते हैं, इस तरह के मिलते हैं, इससे अच्छे भी होंगे, हल्के भी होंगे, कि मैंने मुनासिब कीमत का लगाया है और मेरी काफ़ी है। जितनी आपकी जेब इजाज़त दे आप लगाएं, तो आपके आपको पता हो कि आपके बर्ड हाउस के अंदर नमी कितनी है, टेम्परेचर कितना है, और फिर आप फैसले करने में आपको आसानी होगी, टेम्परेचर कंट्रोल करने में भी आपको आसानी होगी। तो आपको पता ही नहीं होगा आपको कि आपके बर्ड हाउस के अंदर टेम्परेचर कितना है, क्या चल रहा है, नमी कितनी है, तो फिर आपको कुछ समझ नहीं आएगी, आपके बर्ड की कंडीशन आपको समझना मुश्किल होगी। क्योंकि फ्रेंड्स टेम्परेचर जो होता है और नमी जो होती है, ये दोनों चीज़ें आपको अपने बर्ड हाउस के अंदर या पोल्ट्री हाउस के अंदर नॉर्मल रखनी पड़ती है, और आपको इसका इल्म होना चाहिए। और ये टेम्परेचर मालूम रखना अपने या नमी मालूम रखना अपने बर्ड हाउस की या पोल्ट्री हाउस की, ये एक बहुत अहम हिकमत बहुत है अहम और फर्स्ट प्रायोरिटी हिकमत अमली है आपके एक हेल्दी बर्ड हाउस रखने के लिए या पोल्ट्री को हेल्दी रखने के लिए। अगर आप ये नहीं लगाएंगे तो आपको नुकसान का फायदा उठाना पड़ेगा। अक्सर फ्रेंड ऐसे होता है कि मैं अपने बर्ड हाउस में आता हूँ, अपने बर्ड्स की कंडीशन देखता हूँ, उनको ऑब्जर्व करता हूँ, तो मुझे कोई लगता है बर्ड ढीला, या मुझे लगता है कि बर्ड हाउस के अंदर कोई बर्ड या कोई मुर्गी जो है पोल्ट्री में ढीली फिर रही है, उसकी आदत में चेंजेज आ रहे हैं, तो मैं भी सोचता हूँ वजूहात क्या होंगी। सबसे पहले मैं सोचता हूँ टेम्परेचर या नमी तो उसकी वजूहत नहीं है, तो फिर मैं ये चेक करने के लिए अपना ये टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी मीटर देखता हूँ। अगर यहाँ पर टेम्परेचर मुझे लगता है ठीक है, नमी ठीक है, तो फिर से मतलब है कि मेरे बर्ड्स इस टेम्परेचर या नमी की वजह से बीमार नहीं हो रहे। फिर मैं आगे चलता हूँ, जब मुझे पता ही नहीं होगा कि टेम्परेचर क्या है, नमी क्या चल रही है मेरे बर्ड हाउस में, तो मुझे अपने बर्ड्स को फिजिकली ऑब्जर्व करने में या उनकी आदत या बीमारी सिम्टम्स मालूम करने में बड़ा मसला होगा। तो ये मेरा मशवरा ये है कि आप सबसे पहले जब भी आप अपना बर्ड हाउस बनाएं घर में, या आप पोल्ट्री का काम करें घर में, चाहे शॉप क्या ही करें, कुछ भी करें, इस तरह का ये इस जैसा एडवांस या डिजिटल या नॉन डिजिटल टेम्परेचर मीटर लाजमी लगाएं, ताकि आपको भी आपके बर्ड हाउस का टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी जिसे नमी कहते हैं आपको पता होगी। फिर आपको अपने बर्ड्स के मुतालिक फैसला करने में और उनकी नेचर, उनकी बीमारियां ऑब्जर्व करने में आसानी होगी। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मुझे बोलने में दुश्वारी होती है फ्रेंड आजकल, क्योंकि पंखा बंद करके मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, और पंखा बंद ना करूँ तो शोर होगा, आपको मेरी बातें समझ नहीं आएंगी। और पंखा चल भी रहा होगा तो ऊपर शदीद हवस होता है, गर्मियों का मौसम है, तो बड़ा मुझे लिए मुश्किल होता है वीडियो रिकॉर्ड करना, लेकिन मैं करता हूँ। इस टाइम सुबह के 6 बजे हैं, फिर भी हवस अपने अरूज पे है। तो आप ये समझ लें फ्रेंड्स कि एक कामयाब पोल्ट्री चलाना या बर्ड हाउस चलाना, उसके लिए सबसे फर्स्ट स्टेप आपके लिए ये टेम्परेचर मीटर आपके बर्ड हाउस या पोल्ट्री में लगाना चाहिए, उसके बाद बाकी बातें होंगी। तो उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो समझ में आई होगी।
बताने का मेरा मकसद क्या था वो भी आपको समझ में आएगा। तो फ्रेंड इसी तरह के अहम वीलॉग्स, इंफॉर्मेटिव वीलॉग्स, फनी एंटरटेनमेंट वाले वीलॉग्स या इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे इस चैनल पर थर्ड वीक को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, वीडियो को भी लाइक करें, कमेंट्स में जो हो पूछ सकते हैं। और फ्रेंड्स एक और मैंने चैनल खोला हुआ है जिसके अंदर आपको उर्दू नावल सुनने को मिलेंगे, उसका नाम है नावल स्क्रीविंग, चैनल का नाम है, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मेरी इसी वीडियोस में मिल जाया करेगा। तो वहाँ पर जाके आप उसको सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें उस चैनल को भी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और रिकॉर्डिंग में मुझे पता है मेरी आवाज़ मिस भी कर रही होगी, रुक भी रही होगी, और मुझे बोलने में दुश्वारी हो रही होगी, आपको समझ लगेगा वीडियो सुनते वक्त, उसके लिए माजर दूँ। क्योंकि फ्रेंड मौसम हबस में रिकॉर्ड करना बड़ा मुश्किल होता है, सांस फूल जाता है, बोला जा रहा होता, तो इसके लिए माजर खा हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।